हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है वो मेजर एक्ट और माइनर एक्ट के बीच का है। आप लोग के ढेर सारी क्वेरीज थी कि मेजर एक्ट और माइनर एक्ट में क्या अंतर होता है, और मेजर एक्ट और माइनर एक्ट में अगर दोनों एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया है तो प्रिवेल कौन करेगा, कौन यानी अभिभावी होगा, किसको कोर्ट मानेगा। इन सब टॉपिक पर आज आप लोग को एक एक करके एक एक चीज बताई जा रही है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए मेजर एक्ट और माइनर एक्ट क्या होता है। मेजर एक्ट जो होता है वो ऐसे एक्ट को कहते हैं जो सब्सटेंटिव और प्रोसीजर दो नेचर में बटे होते हैं। जो मेजर एक्ट का सब्सटेंटिव पोर्शन होता है उसमें लॉ के प्रोविजन दिए रहते हैं, उसमें नेचर ऑफ द लॉ दिया रहता है, क्लासिफिकेशन दिया रहता है, डेफिनेशन दी रहती है। और जो प्रोसीजर लॉ होता है उसमें उस सब्सटेंटिव लॉ को कैसे प्रोसीड किया जाता है उसके बारे में प्रोसीजर दिया रहता है। जैसे मेजर एक्ट के जो सब्सटेंटिव लॉ है, बीएनएस जिसको हम लोग पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जिसको हम लोग भारतीय साझेदारी अधिनियम कहते हैं, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब जो है मेजर एक्ट के सब्सटेंटिव पोर्शन है जिसमें लॉ के सारे प्रोविजन बताए गए हैं। अब आता है प्रोसीजर लॉ। तो जो प्रोसीजर लॉ है मेजर एक्ट का वो BNSS जिसको हम लोग CRPC कहते हैं, जितने भी सब्सटेंटिव नेचर के सूट क्रिमिनल नेचर के होते हैं उनका प्रोसीजर जो होता है वो दिया गया है BNSS पे। जो पहले हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे जो अब प्रेजेंट टाइम में BSA 2023 हो गया है, ये सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर के दोनों के लिए मेजर एक्ट है। CPC द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी मेजर एक्ट का प्रोसीजर लॉ है। लिमिटेशन एक्ट, ये भी मेजर एक्ट का प्रोसीजर लॉ है। अब देखिए जो मेजर एक्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, मेजर एक्ट में जो कमियां होती है, मेजर एक्ट को और ज्यादा फोर्स बनाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया जाता है एक्ट, उसको हम लोग माइनर एक्ट कहते हैं। देखिए माइनर एक्ट भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, माइनर एक्ट भी होल द इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। तो मेजर एक्ट की जो डिफेक्ट्स होती है, कमियां होती है, जिसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है उसके लिए बनाया जाता है माइनर एक्ट। जैसे हम लोग का जो माइनर एक्ट बना है SC ST एक्ट, JJ एक्ट जिसको हम लोग जुवेनाइल जस्टिस कहते हैं, पॉक्सको एक्ट, डाउरी प्रोविजंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वर्क प्लेस पर वुमेन्स का सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है। तो ये सब जो एक्ट बनाए जाते हैं, माइनर एक्ट बनाए जाते हैं, वो क्या होता है मेजर एक्ट की कमियों को, मेजर एक्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए उसको बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेजर एक्ट वर्सेस माइनर एक्ट में अगर कोई मैटर ऐसा आता है कि जिसपे दोनों के प्रोविजंस है तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन ज्यादा लागू होगा, किसको प्रभावी बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, माइनर एक्ट हर समय मेजर एक्ट के ऊपर प्रिवेल करता है, ऊपर प्रभावी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो माइनर एक्ट होता है वो प्रिवेल करता है मेजर एक्ट के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग के लिए जो आप लोग की क्वेरीज थी आज वीडियो के रूप में इसको क्लियर किया गया कि जो माइनर एक्ट की कमियां हैं, मेजर एक्ट की कमियां है वो माइनर एक्ट में दूर होती है। जैसे हम लोग के IPC में जो हम लोग पढ़ते थे या BNS पढ़ते हैं उसमें कहा गया बिलो 7 ईयर चाइल्ड इज डोलियन कैप्स, 7 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होता है वो अपराध करने में अक्षम है, उसके खिलाफ कोई मामला होगा नहीं। लेकिन अगर रेलवे एक्ट में 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बिना टिकट जर्नी कर रहा है तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी। तो रेलवे एक्ट क्या हो गया, प्रिवेल कर गया, किसके ऊपर प्रिवेल कर गया, जो हमारा BNS बना हुआ है उसके ऊपर। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग का क्वेरीज थी जिसको छोटे रूप में आज हमने आपके सामने रखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर दीजिएगा कि आपको वो क्वेरीज दूर हो गई कि नहीं दूर हो गई, और भी आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हो उसको जरूर बता दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग को एक और गुड न्यूज देनी है कि जैसा कि बिहार में आप लोग जानते हैं कि पटना में 24 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, लीगल सेमिनार। अब आप लोग के लिए दूसरा एक सेमिनार 14 अगस्त 2024 को 10:30 बजे फिर होने जा रहा है बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट में, और वो है डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। समस्तीपुर में 14 अगस्त को हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे, और जो उसका टॉपिक होगा
नए क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में कैसे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो नया क्रिमिनल लॉ हम लोग का आया है उसके रेफरेंस में हम कैसे जुडिशियल सर्विसेज एपीओ की तैयारी करें, इसके लिए वहां पर ढेर सारे एडुकेटर्स आएंगे, जजेस आएंगे, टीचर्स आएंगे, एडवोकेट रहेंगे, तो सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे, आप लोगों के साथ वहां पर आपस में मिलने का मौका मिलेगा, तो आप लोग वहां पर जरूर आए, अपने साथियों के साथ आए। अब वो प्लेस कहां पर है, वो प्लेस है समस्तीपुर में होटल मिलन, जो होटल मिलन है वो विवाह भवन है, ताजपुर रोड है, नियर बस स्टैंड, ये बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है और रेलवे स्टेशन के भी नजदीक है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नजदीक है, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर इसको वहां के ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारे लिए तो ये बिल्कुल नया जिला है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है उनको लोग के लिए तो सब नोन है, तो आप लोग वहां पर जरूर आए और हम लोग सब लोग बैठते हैं, चाय पिया जाएगा साथ में और ढेर सारे टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, आमने सामने रहेंगे तो बहुत सी बातें सीखने का मौका भी आप लोग को डियर स्टूडेंट मिलता है। देखिए वो जो होटल मिलन है ताजपुर रोड का समस्तीपुर जिले का, वो मैप आप लोग के सामने लगा है, इस गूगल मैप के थ्रू भी आप उस प्लेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आने की वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट आप लोग से कहना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। देखिये परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो इसके बनते हैं वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। देखिए कोई वैकेंसी आती है आपको सबसे पहले बताया जाता है, कोई वैकेंसी में कोई चेंजेस होते हैं, सिलेबस बदला है वो आपको बताए जाते हैं, पेपर होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, आप लोगों को कट ऑफ बताया जाता है, कट ऑफ बिल्कुल 100% सही भी निकलता है, जबकि रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग को रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनसे मिलाने की भी जानकारी आप लोग को दी जाती है। इसके साथ साथ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उससे आपको अपडेट कराया जाता है, कोई लॉ में अमेंडमेंट होता है उससे आपको अपडेट कराया जाता है। तो देखिए ये लॉ के स्टूडेंटों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो इससे जुड़कर लॉ की सारी फैसिलिटीज को फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सके। और जो आप लोगों के लिए सेमिनार बिहार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी सितंबर 2023 में बिहार स्टेट के एपीओ के एग्जामिनेशंस में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो अब वहां का एपीओ होना है, यूपी का एपीओ होना है, बिहार का एपीओ होना है, उसके लिए आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चलाई जा रही है, गूगल मीट पर लाइव क्लास से आप जुड़े, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और आप उसी तरह सेलेक्ट होंगे जैसे बिहार स्टेट में इस समय परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के 55 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका करियर सवर गया है, वो क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर्स हो गए हैं, एपीओ बन गए हैं। आप लोग भी तैयारी करिए, आप भी जुडिशियरी में निकलिए, एपीओ में निकलिए, हायर जुडिशियल में निकलिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।